ओके जी, लॉरिश का एक कलर है 12.63। हमें देखने में ये कलर इस तरह नज़र आ रहा है डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर 6 यानी कि आपका पर्पल एंड 3 यानी कि हमारे पास गोल्ड है, तो इसीलिए पर्पल जो है वो स्लाइटली सा डल हो गया इसकी नस्बत। ओके, लेट्स सी कि ये हमारे पास, मेरे पास दो लिट्टे हैं, ये तकरीबन पिक्चर में तो आपको नज़र देखे, दिस इज़ 8 का लेवल, हाईली येलो, और एक लाइटर येलो है, ये 9 का लेवल है। ठीक है जी, 12.63 मेरे पास कलर है। मैं इनको कोशिश करती हूँ कि 10 वॉल्यूम के साथ मैं इन दोनों को जो है कलर लगाती हूँ। लेट्स सी इनका क्या है। स्लाइटली सा डिफरेंस शायद आप लोगों को लगे, मुझे नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा वाइब्रेंट है, ये थोड़ा सा डल है, क्योंकि ये 8 के लेवल पे था, ये 9 के लेवल पे था। ठीक है जी, दैट इज़ 12.63। इसका ये कलर इतना लेवल पे आता है, इससे भी अगर लाइटर होता, अगर आपको इसको भी ब्राइट करना है, 9.63 ये ओरिजिनल कलर है, अगर इसको आप ब्राइट करना चाहोगे तो इसके अंदर एक ड्रॉप या दो ड्रॉप आप हमारा जो 0.66 है वो डाल दीजिए। अब क्वेश्चन टाइम पे ये भी था जी, कैराटोन्स के कलर्स में से हमारा कोई कलर हमारे पास है, अब ये डिफरेंस है आप देख लीजिए, ये डायरेक्टली 12.63 है। 12.63 में आपको इनके करीब जाना हो, इस कलर के करीब जाना हो तो आप इसमें ब्लू का एक ड्रॉप डाल दीजिए, और अगर इस कलर के करीब आपने जाना हो तो इसके अंदर जो है 0.66 पर्पल का डाल दें, तो आपका जो है वो कलर ईजीली 9 के लेवल पे, पर्पल वैसे भी 9 के लेवल पे थोड़ा सा वाइब्रेंट आता है, ये तो शाइनिंग के वैसी है लेकिन कलर काफ़ी ज़्यादा क्लोज पड़ा है। दिस इज़ 12.63। आप उनको फंकी कलर्स में ज़्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास बेस कलर्स मौजूद हैं, तो उसमें जो है अपनी मर्जी के कलर्स डालने हैं, उसको आप वाइब्रेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ 12.63 डिफरेंस, इज़ अ ब्यूटीफुल पर्पल कलर। ओके जी, ये आपका बाल था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी 0.00 की लिफ्टिंग की, ये जो इस टाइम मेरे हाथ में बाल है ये 0.00 की डबल लिफ्टिंग है। शायद थोड़ी देर से पहले मैंने इसकी भी वीडियो शेयर की थी कि हम डबल जब लिफ्टिंग करते हैं उसमें ये बिल्कुल बाल जो है ना हमारा गोल्ड में चला जाता है। एक दफ़ा ये 30 वॉल्यूम के साथ लिफ्ट हुआ और शायद दूसरी दफ़ा ये 20 वॉल्यूम के साथ, तो ये बिल्कुल, और बाल में कोई भी ऐसी लचक कुछ भी नहीं आती। ठीक है, सो दिस इज़ 0.00, ये हमारी बुक में यहाँ पे आपको मिलेगा, और इसकी ये डबल लिफ्टिंग हुई। अब क्वेश्चन ये था कि जी अगर ये 0.00 से बाल लिफ्टिंग हो जाए, इसमें कलर तो कोई होता नहीं है, तो इसके बाद इसका हम टोनिंग कर सकते हैं। लेट्स सी, अब हम इसको ग्लॉस करेंगे, मैं इसको ग्रीन के साथ और इसको ब्लू के साथ। ठीक है, या आप कह देते हैं चले एक मैं ब्लू के साथ करती हूँ, ग्रीन के साथ नहीं करती, एक मैं पर्पल के साथ, क्योंकि मेरे पास स्ट्रैंड टोन है, एक मैं पर्पल के साथ टोनिंग करती हूँ और एक को मैं ब्लू के साथ टोनिंग करती हूँ, सो लेट्स सी कितना डिफरेंस आता है। डेफिनेटली पर्पल के लिए जो है वो हम लोग 0.66 या फिर पर्पल का कोई भी शेड, 12.63 पर्पल है, 10.60 पर्पल है, 12.66 पर्पल है, ये पर्पल है। ठीक है, इनके साथ आप टोनिंग कर सकते हो, या 0.66 आप डेफिनेटली 0.66 में बहुत थोड़ा यूज़ करती हूँ, ये तो मैं एज अ डाई यूज़ कर सकती हूँ। इसके अलावा जो 0.88 की अगर मैं टोनिंग करूँगी, मैं 0.88 की भी टोनिंग कर सकती हूँ, और मैं 9.18 जो कि हमारा ब्लू कलर के साथ है, या 12.18 इन दोनों के साथ भी टोनिंग कर सकते, इवन आप लोग ग्रे के साथ भी कर सकते।